हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज हम हैं बिलबाओ में और हम आए थे ओल्ड टाउन और अब हम यहाँ से जाएंगे पोर्ट हार्बर। तो हम यहाँ से जाएंगे मेट्रो में और मेट्रो से कैसे जाना है, क्या जाना है वो भी देख रहे हैं। और हम मेट्रो आए हैं और अभी यहाँ से मेट्रो आसानी से मिल जाती है आपको। आप पूछते पूछते जाओ और कोई भी यूरोप में कहीं पे भी बहुत आसान है। वहाँ पे लिफ्ट लगे हैं, आपके एस्केलेटर लगे हैं, तो अगर आपके पास बेबी भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेबी का स्ट्रोलर लेकर भी आराम से जा सकते हो। तो हमें जाना है, आदि अभी उठ गया है और वो खेल रहा है वैसे। तो हम मेट्रो चढ़ गए हैं और अभी हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा जाने के लिए। यहाँ से 45 मिनट्स वगैरह कुछ दिखा रहा है। हमारा ओल्ड टाउन का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, हमने वहाँ पे अच्छे से ब्रेकफास्ट किया है। फिर अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं पोर्ट हार्बर। तो देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है, क्या देखने को मिलता है और कैसे मिलता है। तो ये सिटी के बिल्कुल बाहर है, वहाँ पे ऑब्वियसली समुंदर है तो थोड़ा सा दूर जाना ही पड़ेगा सिटी से। तो हम जा रहे हैं और ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, मतलब जैसे हम बिलबाओ में देख रहे थे, हम पूरा जैसे वो पहाड़ों से घिरा हुआ था वो सिटी, पर यहाँ पे ना हम एकदम आ गए हैं। यहाँ पे कुछ पहाड़ नहीं है, कुछ नहीं है, खुली खुली जगह है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और जैसे मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ मुझे यहाँ ना वो कार्गो वगैरह होता है ना, वो उसके वॉल्स है ये। तो अब हम यहाँ पे निगोरी स्टेशन करके नाम है, तो वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। और यहाँ पे बहुत, मतलब ये स्टेशन जैसे होता है नहीं हमारे, बिल्कुल छोटा सा स्टेशन है ये मेट्रो स्टेशन। मतलब जहाँ पे हमारे इंडिया में नहीं होते, छोटे छोटे गांव होते हैं और वहाँ पे छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, वहाँ पे जब रुकती भी नहीं है ट्रेनें, तो वैसे एक स्टेशन है। पर यहाँ पे तो ये मेट्रो तो ऑब्वियसली रुकेगी, तो हम फिर यहाँ से ऐसे लिफ्ट करके वहाँ से उधर उधर साइड जाएंगे, उधर से फिर हम एग्ज़िट करेंगे। तो यहाँ पे लिफ्ट हर जगह होती है, हर जगह, क्योंकि यहाँ पे सब लोग जो स्ट्रॉलर यूज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उसको कैरी करने के लिए, इधर से उधर लेकर जाने के लिए लिफ्ट बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर सबके पास, सबके जगह लिफ्ट होती ही होती है। और ये इतना ब्यूटीफुल है बाहर, इतना ब्यूटीफुल है कि क्या ही बताऊँ। जैसे वो स्विट्ज़रलैंड नहीं होता है, मुझे बिल्कुल वैसे फीलिंग आ रही है। और वो जो घर देखकर तो बिल्कुल भी वैसे ही फीलिंग आ रही है। हम जब हम दिल्ली में थे और हमारे इंडिया में नहीं, जैसे देहरादून उधर साइड जो पहाड़ों में वो घर होते, वैसे फीलिंग आ रही। लेकिन बहुत सुंदर सा है, जिसे कहते हैं ना हिल स्टेशन जैसे, तो बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा था। तो हमेशा की तरह हम फिर से रास्ता भूल गए और फिर से हम नीचे जा रहे, उधर से उधर लिफ्ट चेंज कर रहे और देखते हैं फिर हम सही तरीके से जाएंगे या नहीं सही रास्ते से। और मुझे तो हमें हमारा हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है कि हम कहीं और जाना चाहते और कहीं और चले जाते, एक तो कहीं लिफ्ट चेंज ये कर, और हर जगह ऐसा होता है, ऐसा नहीं हमारे साथ ही होता, लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि नई जगह पे आप जाते हो, एक्सप्लोर करते हो, तो थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें होती ही है। पर कोई बात नहीं, हम एंजॉय करें ये चीज़, क्योंकि ये नई जगह है। और घर देखिए, ये घर कितना सुंदर है, तो मैं वही देख रही थी, मैं आजू बाजू के घर ही देख रही थी बस। और ये जो निगोरी स्टेशन है, निगोरी स्टेशन से थोड़ा सा दूर चल के जाना पड़ेगा आपको पोर्ट हार्बर के लिए, तो हमें वॉक करके जाना है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आप चलो टैक्सी पकड़ लिए तो चले जाओ या किसी, और आप बिल्कुल भी, मतलब यहाँ पे एकदम सुनसान है, आपको हेल्प करने के लिए भी कोई भी नहीं है, आपको खुद ब खुद ये देखो आगे आगे जा रहे और मैं पीछे पीछे, तो आपको खुद ब खुद हेल्प करना पड़ेगा अपनी। ऐसा है कि जैसे होता है ना कि किसी को पूछ लिया कि भाई, वहाँ पे लोग भी बहुत कम होते हैं बाहर, आप निकलोगे बाहर स्टेशन के बाहर, आपको गिने चुने एक दो लोग ही दिखेंगे और मशीनें लगे होंगे देख, और बस आपको उसमें कुछ करना है, टिकट निकालना है, पानी निकालना है, तो बस आप पानी निकालो, टिकट बनाओ अपनी और चलो, ऐसा है। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक रेजिडेंशियल एरिया जैसे दिख रहा है, और ये
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत जिसे जगह कहती है ना हिल स्टेशन में वैसे। और यहाँ पे जो लोग रहते होंगे आई एम श्योर वो बहुत अमीर होंगे, और अंदर से ये घर जो होंगे ये बहुत ही सुंदर होंगे। और सच में ऐसा लग रहा है कि किसी कोई भी एक घर उठाओ, घर में चले जाओ और देख लो कि अंदर से घर कैसे दिखता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। तो हमें यहाँ से बाय वॉक जाना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ से दिखा रहे 10-15 मिनट, और हमारी हालत हो गई है ख़राब। हम ओल्ड टाउन इतना घूमे हैं, तो वहाँ से हम फिर यहाँ आए, यहाँ से हमें लगा कि चलो कई टैक्सी वैक्सी मिल जाएगी, बट टैक्सी वैक्सी का कोई चांस नहीं है, तो यहाँ से आप पैदल ही जाओ ऐसा है। तो मैं आपको यहाँ के घर दिखाती हूँ आजू बाजू के। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी कोई बाहर कोई दिखेगा ही नहीं आपको। देखिए घर बहुत सुंदर है, यहाँ पे सब घर में अपने शटर बंद करके सब, आई थिंक ये सोसाइटी है ना पूरा, तो यहाँ पे वैसे कोई बाहर नहीं दिखेगा। और अगर यहाँ पे अगर किसी को कुछ पूछना हो, आपको रास्ता पूछना हो, कुछ पूछना हो, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी है बाहर कि जिसे हम हेल्प ले सके। जैसे हम हमारे इंडिया में कोई दुकान होती है, कोई कुछ होता है तो हम पूछ लेते हैं, फिर यहाँ पे कोई चांस नहीं है पूछने का। बस बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे ना मतलब वो नहीं होता जैसे लूटपाट, या मतलब हमारे साथ तो ऐसे हुआ नहीं और ना हमने सुना है। हाँ उधर साइड यूरोप में कई और जगह होता होगा तो पता नहीं, पर स्पेन में बहुत ही कम ऐसे मैंने चीज़ें सुनी है जैसे। और इधर इधर साइड हाइंड साइड तो बिल्कुल ही कम है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सेफ जगह है और सुंदर भी जगह है। तो यहाँ से हम वॉक करके जा रहे हैं यहाँ से, और फिर देखते हैं आगे कोई होगा तो पूछते हैं यहाँ से। मैं तो आपको घर दिखा रही हूँ कि यहाँ पे देखिए कितने सुंदर घर है, ये वाला घर कितना सुंदर है। तो मतलब एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है ऐसे, कि अब वॉक करते जा रहे हो और देख रहे हो कि हाँ घर देख रहे हो, लोगों के रास्ते देख रहे हो, और ये पूरी की पूरी नई जगह है हमारे लिए। तो हम वही अपना गूगल मैप देखते देखते हम जा रहे हैं, और हिमांशु ऐसे गूगल मैप से जा रहे, तो हम आधा रोड तो गलत ही जाते, भूल जाते हैं हम कहाँ जाना है कहाँ नहीं गलत हो जाता है हमारा, लेकिन हम फिर भी कैसे कैसे करके पहुँच ही जाते हैं। मैं हिमांशु के पीछे 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 जाती हूँ बस, वो लेकर जाते, और आदि अपना मस्त बैठा रहता है अपने स्ट्रोलर में, उसको तो कुछ चलना वाला है नहीं, मेरे पैर के तो टुकड़े पड़े हैं। चलो फिर आगे चलते के देखते हैं कि कैसा है, कहाँ तक हमें जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। राइट अरे एक्चुअली वो नंबर दिया है किसी चीज के लिए, और वो सब नंबर की ऐसी पर्ची है ताकि आप उठा के तोड़ के ले जाओ, नंबर की पर्ची है ना। हाँ हाँ नोट ना करना पड़े, आप पर्ची फाड़ दो बस। पर्ची फाड़ के पर्ची ले। हाँ हाँ वो ऐसे काम ना हो ना तो भी फाड़ लेंगे। ये रहे आपका पोर्टो। तो ये है पोर्ट हार्बर, तो ये है पोर्ट हार्बर, और अभी सनसेट का टाइम हो रहा है और बिल्कुल हो जाएगा। हाँ अंधेरा तो हो जाएगा अभी 1 घंटे में। देखिए बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर जगह है।
सीरियसली कमी देखने को मिलती है. जस्ट लाइक सो गुड. हाँ, कितनी सुंदर जगह है. मी किसी रेस्टोरेंट में पहले ना इधर जाना चाहिए. हमें रेस्टोरेंट में जाना चाहिए. वॉशरूम ये वाला घर देखिए कितना सुंदर है. अरे ना, ये घर है, होटल है. आई थिंक ये होटल या रेस्टोरेंट कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये पार्किंग भी है, इसी की है. तो जो भी है बहुत सुंदर है. और ये सी फेसिंग जो फ्लैट्स है, बंगलोज है, वो भी काफ़ी सुंदर है. वॉक वॉक वॉक. कैसी लगी आपको जगह? कुछ नया है ना, है ना? मतलब पता है, मुझे पहली बार बता रही हूँ हिमांशु. मतलब चलो, सी वगैरह तो हम हमेशा देखते हैं, राइट? बट जो यहाँ के जो घर है ना, बहुत उसी से नजर नहीं हट रही मेरी, उसी से नजर नहीं हट रही है. मतलब हर एक घर से अलग है. मतलब डिजाइन बोलो आप या कुछ चीज बोलो, तो जिसे कहते ना रजवाड़े जैसे, उस टाइप की है ना, लग्जरी. किला है वो अंदर, किला. हाँ, ये लाइट हाउस है. छोटे छोटे बोर्ड्स रखे हैं बहुत सारी, और यहाँ पे शायद ये लोग बोटिंग करते होंगे, या पता नहीं, हो सकता है कि जो होते कम्युनिटी होती है जो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते होंगे, या पता नहीं क्या ही करते होंगे. यॉच में तो बहुत अच्छा है यहाँ पे. और हम जा रहे हैं आगे एक लाइट हाउस तक, तो चलो हम दिखाते हैं आपको लाइट हाउस. तो अभी शाम बिल्कुल होने ही वाली है, तो हमारे पास दो ऑप्शन थे. एक तो आप हम लाइट हाउस जा सकते हैं, या फिर बीच पे थोड़ा सा हम घूम सकते हैं. तो हिमांशु ने सोचा कि नहीं, चलो पहले लाइट हाउस देख लेते हैं. बीच तो क्या, हमने देख चुके हैं, पर लाइट हाउस देखना बहुत अच्छा लगेगा. तो हमें यहाँ से
देखिए जैसे ये देखिए वो वहाँ पे बीच बीच है, वहाँ पे मतलब वहाँ पे आप वॉक कर सकते हो। और यहाँ पे अंदर अंदर यहाँ पे एक रोड बना हुआ है लाइट हाउस के, सीधा लाइट हाउस तक जाएगा। और लाइट हाउस वहाँ पे आपको आगे दिखेगा, एकदम सीधा सीधा चलते जाओगे तो वहाँ पे एक दिखाऊंगी मैं आपको आगे। तो ये देखिए यहाँ से समुंदर कितना अच्छा लग रहा है, और आपको मैं इसका आवाज़ सुनाती हूँ जो बहुत भयानक सा लगता है। ये देखो जैसे ये फिशिंग कर रहे हैं, आई डोंट नो कितनी मछलियाँ मिलेंगी इनको, आई डोंट नो कितनी फिश मिलेंगी इनको। चलो हिमांशु मैं दौड़ के आ रही हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम, कम ऑन। अच्छी चीज देखने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। जा रहे यहाँ से तो यहाँ पे हमें एक बहुत कमर्शियल शिप दिखा। तो यहाँ पे कमर्शियल नहीं बोल सकते, एक हमें भी कमर्शियल भी है। और यहाँ से जो होता है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए हम जैसे प्लेन लेते हैं, जैसे हम तो वैसे उसी तो हिसाब से ये शिप है। तो यहाँ से इस स्पेन से कहीं और जाने के लिए, जैसे लंदन जाना है, जैसे अमेरिका जाना है, तो शायद यहाँ से बाय शिप भी आप जा सकते। और हम आ गए इसके पास। हिमांशु फ्लैग किस चीज़ का है? फ्लैग कौन से कंट्री का है? आई थिंक ये कमर्शियल पर्पस के लिए, ये शिप। हाँ क्रूज है, हाँ मतलब क्रूज, सॉरी क्रूज। जैसे फ्लाइट होती है आपकी, हाँ ये नीचे कमरे दिख रहे हैं आपके, तो ये लगे हुए हैं। हाँ तो जो तो ये मतलब कंट्री से दूसरे कंट्री जैसे जा रहे हो, हाँ जा हाँ रहा है आपका ये शिप ऐसे। अच्छा, और बीच में जैसे छोटी छोटी बोट्स होती हैं उतरने के लिए, देखिए और येलो वाली बोट्स। हाँ वो शिप से जा रहे हैं, वो यहाँ से ट्रैवल करेंगे। तो कहाँ जाना है अगर, तो ट्रैवल करना है यहाँ से, कहाँ जाना है तो ट्रैवल करना है यहाँ से। हाँ गुड। हाँ हाँ ओके। हाँ सीरियसली, इसलिए पता है हिमांशु नियर बाय बहुत ज्यादा रिच लोग रहते हैं आई थिंक। इसलिए हिमांशु ऑब्वियसली यहाँ पे कमा रहे होंगे, जो अर्न कर रहे होंगे वो तो कितने कमा रहे होंगे यार, वो भी तो सोचो। तो ये एट द एंड ऑफ सी हम आए हैं लाइट हाउस के पास, और इसके बाद हम यहाँ से देख के थोड़ा घूम जाएंगे वापस। और ये बहुत सुंदर है, जो डीप सी होता है ना एकदम। हम पास में है डीप सी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एक क्रूज भी है।
हाँ वेट, तो यहाँ पे फिशिंग चल रही है और पता नहीं इनके इतने सारे सामान है और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है इसमें फिशिंग करने में। क्या हम देख सकते हैं इनको फिशिंग करते हुए? और बस नाइस नाइस वेरी गुड वेरी गुड। सो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कैच? आप लोग इंग्लिश? Very little. How much time? How many fish you catch? In a day. Sunday nothing. Ah, okay. Okay. It's very difficult. Very hard. Yes. It's very patience. In a good day, maybe... Saga, ¿cuántos peces has cogido lo máximo en un día? ¿Eh? यहाँ पे आना बहुत भयंकर हो गया है। मतलब यहाँ पे इतनी हवा चल रही थी कि सब उड़ गया। वो जो फिशिंग कर रहे थे वो अभी उनका भी सब जैकेट वैकेट सब उड़ गई और पानी में गिर गई है, वो गई उनकी जैकेट। तो हम तो फिर निकल आए वहाँ से एकदम से और हिमांशु और हम मेरे डर गए क्योंकि देवी भी साथ में है और हम नहीं चाहते कि कोई वहाँ पे, और बहुत बहुत अनप्रेडिक्टेबल वेदर होता है वहाँ का। तो हमने सोचा कि नहीं नहीं चलो बाबा घर चल लो। तो ऐसा था हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस। तो अब हमारा मन भर चुका है तो हम शायद बीच पे वॉक करने के लिए भी नहीं जाएंगे। वैसे भी लाइट अब अंधेरा होने वाला है तो अब लाइट्स वगैरह इतना दिखेगा नहीं किसी को कुछ अंधेरे में। वैसे भी बीच पे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे सर्फिंग वगैरह भी कर रहे हैं, अभी भी सर्फिंग कर रहे हैं और इतनी ठंड है यहाँ पे, इतनी ठंड है फिर भी यहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं इतने ठंडी पानी में। लेकिन हम तो सोच रहे कि हम तो अभी घर ही जाए क्योंकि अभी जाने के लिए हमें और 1 घंटा लगेगा। पहले वॉक करना है, वॉक करके हमें पूरा स्टेशन तक जाना है जिससे हम आए, और वहाँ से हमें मेट्रो पकड़ के हमें घर जाने के लिए 1 घंटा लगेगा। फिर मेरा कल फास्ट भी है तो हमने सोचा कि चलो कि अभी खाना खाते और क्योंकि कल अहोई अष्टमी का फास्ट है तो हमें जाना भी है फिर होटल में। तो देखते हैं कि अंधेरे से पहले हम कोशिश करते कि हम घर चले जाए। तो ऐसा था हमारा एक्सपीरियंस, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा यहाँ के। काफ़ी सुंदर जगह, एक बार देखनी तो बनती है यहाँ। अगर बिलबाओ आते हैं आपको तो एक बार ये जगह देखनी बनती है। तो फिर अभी हमें डिनर करना है। यहाँ पे तो कोई रेस्टोरेंट दिखे नहीं हमें सही से, तो हम बिलबाओ जाके ही कई अच्छी जगह रेस्टोरेंट में हम डिनर कर लेंगे। आए हैं अभी रात में डिनर करने, तो अब हम आए हैं यहाँ पे डिनर करने। ये इटालियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम कल भी आए थे एक्चुअली, पर मैं कल वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि हिमांशु के सर वगैरह थे तो अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाना। तो हमने फुल एंजॉय किया कल का डिनर। तो सेम रेस्टोरेंट में आए हैं, इटालियन रेस्टोरेंट है और इसका नाम है जिनोस। और यहाँ पे बहुत अच्छा पास्ता मिला था कल हमें, बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। तो हमने सोचा चलो, और यहाँ पे ना थोड़ा रश हो गया कम है आज, एक्चुअली सैटरडे, और सैटरडे होने के कारण बाहर इतना रश है और रेस्टोरेंट भी सर्च करने में का बिल्कुल भी हमें ताकत नहीं थी। जैसे हम घूम के आए
बहुत सारा वॉक किया, तो बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, तो हमने सोचा कि चलो हम इसी रेस्टोरेंट में आते और एटलीस्ट खा लेते थे। तो यहाँ पे ना एक तो वेजिटेरियन ऑप्शन भी नहीं है ना, हमें थोड़ा सा कुछ सोचना पड़ता है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है, तो बेटर हम इधर ही आ गए। और अभी नाश्ते में अभी डिनर में हमने क्या मंगाया है वो आपको अभी दिखाते। यहाँ पे खेल रहा है आदि, आदि खेली खेली कर ले आदि बबी। तो यहाँ पे हमने मंगाई है ये लेमन और हिमाचल पेप्सी ड्रिंक में, और ये ऑलवेज मिलते हैं यहाँ पे, ये ना विनेगर में है रखे हुए, और थोड़ा सा स्पाइसेस भी आई थिंक डाला है, बट पता नहीं क्या डाला है, बट टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। तो ये रेस्टोरेंट है, तो ये हमने मंगाया है, ये है बुराता, और ये मंगाया है हिमांशु ने। जैसे कि आपने देखा हिमांशु ने बुराटा मंगाया है अपने लिए, और मैंने मंगाया है मेरा फेवरेट पास्ता, और कुछ गार्लिक ब्रेड है जो आदि के लिए भी मंगाया है मैंने, आदि को भी मैं थोड़ा सा गार्लिक ब्रेड खिला दूँगी। और तो ये था हमारा आज का डिनर, डिनर बहुत ही ज़्यादा, तो डिनर बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और इसी के साथ हम ये व्लॉग आज का ख़त्म करते हैं, और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग शायद हम इंडिया जाएंगे तब का बनाऊंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग, और हम दिखाएंगे इंडिया में जाके क्या क्या मस्ती करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।